सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का। सो दोस्तों, आज बात करेंगे कि जो कॉलम जो होती है अपने, ये कॉलम में हमें क्या चेक करना चाहिए। अब अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हो या आप जो भी आपको अगर ट्रेनिंग इंजीनियर हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है जानकारी कि आप यहाँ पे कॉलम को जो कितने भी इसमें होता है सावल करने के बाद कितना MM की मार्जिन ले सकते हैं या इसको कितना अलाउबल होता है। तो सो दोस्तों, पहले तो ये देखते हैं कि जो अपनी कॉलम होती है, इसमें अगर कॉलम में ये ध्यान रखते हैं अब बिफोर द कास्टिंग, सबसे पहले तो उसमें अगर ये कॉलम अपनी जो भी रिंग है वो अगर ये कॉलम की स्टील चेक करते हैं, स्टील चेक करने में ये वो देखते हैं कि जो अपनी रिंग है वो उसकी स्पेसिंग क्या है, नंबर ऑफ जो स्टील जो वर्टिकली यूज हुआ है वो अपनी कॉलम में है कि नहीं है, मिसिंग तो नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल में इसको चेक करते हैं रिंग की जो साइज होती है, अगर ये 150 mm की रिंग, मतलब 150 का अगर रिंग है सेंटर टू सेंटर, तो इसको ये चेक करते हैं। जैसे कि आप एक दो नहीं चेक करते हैं, क्योंकि जो एज ए क्वालिटी होता है उसको कभी भी आप स्पेसिंग चेक करने के माध्यम से जब स्पेसिंग चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, कम से कम 6 सरिया लेंगे अगर 100 की स्पेसिंग है, अगर 6 सरिया आप टेप के अंदर लेंगे तो इसमें कम से कम 50 mm सॉरी 50 सेंटीमीटर आना चाहिए, 500 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जब भी स्पेसिंग चेक करेंगे अगर 10 सरिया लेंगे सॉरी 11 सरिया लेंगे तो आपको 11 सरिया लेंगे तो आपको 1 मीटर आना चाहिए वहाँ पे, अगर 100 की स्पेसिंग है तो। ऐसे आप अल्टरनेट स्पेसिंग चेक कर सकते हैं, कभी भी आप जब आप इसकी स्टील चेक करें तो आप स्पेसिंग ऐसे चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी आती है कि जब ये दोनों स्टील चेक होने के बाद इसमें क्या होती है, आती है दूसरा वर्क हमारा जो शटरिंग का होता है। तो शटरिंग के वर्क से पहले आपको क्या देखना है कि इसमें जो है कि जो अपनी स्टील है उसकी जो कवर होती है, अगर ये कॉलम है तो 40 mm की कवर इसमें होनी चाहिए, 40 mm की कवर, तो 40 mm की कवर मिलनी चाहिए। अगर 40 mm की कवर जो है आपकी वहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि उसमें अगर अगर आपकी जो स्टील है वर्टिकली जो खड़ा है वो अगर आउट है तो आप उसको एज डाई इसको आप अंदर ले सकते हैं उसको किसी तरीके से। जैसे कि आपको अगर स्टील को जो है आपको लाना है उसके जो क्लियर कवर है, क्लियर कवर के अंदर आप ये प्रोसीजर करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे आप जाएंगे दूसरे। तो दूसरा प्रोसीजर है कि कवर मिलने के बाद आपको इसमें कवर ब्लॉक यूज करना है, ताकि जो भी आप अगर ये आपको कॉलम जो है 2400 अगर कास्ट कर रहे हैं, अगर ये आप अगर 2400 या 2 मीटर जो भी कास्ट कर रहे हैं आप, तो उतनी कास्टिंग नीचे से ऊपर तक आपका कवर सेम ही रहना चाहिए। या नहीं तो आप ये दूसरा काम कर सकते हैं कि जो आपका कॉलम का फ्रेम और फ्रेम है उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऊपर का जो है 40 mm की एक रिब साइड से लगवा सकते हैं जिसमें कवर मेंटेन रहेगा। ये दूसरा प्रोसीजर हो। थर्ड देखते हैं, थर्ड इसमें ये होने के बाद तीसरे नंबर पे आती है इसकी जो शटरिंग जब लगती है, तो शटरिंग लगने के बाद इसमें जो होती है प्रॉपर चेक किया जाता है कि इसमें शटरिंग ऑयल होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारी जो कास्टिंग होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है और इसमें जो है लुकिंग अच्छी होती है और कहीं भी इसमें ये होता है कि रिपेयर नहीं आता है, रिपेयर के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये हमको देखना है कि वहाँ पे जो है इसमें प्रॉपर शटरिंग ऑयल होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब शटरिंग लगने के बाद इसकी आती है लास्ट नंबर पे आती है कि ये इसकी एक सावल चेक करना, क्योंकि जो अब जैसे आप यहाँ ड्राइंग में देख रहे हैं कि इसमें ये ब्रिक ऐसे लटकी हुई है, इसको हम लोग देखते हैं। अगर ये दो पोजीशन पे देखा जाता है, ये कॉलम के दो साइडें में लगती हैं, चार साइड कॉलम की होती हैं, तो चार साइड में चारों साइड नहीं लगती हैं, दो साइड में इसको आपको चेक करना रहता है। तो आप इसको दो साइड में चेक करके, तो जितना नीचे आपको मिलना चाहिए उतना ही ऊपर ही आपको मिलना चाहिए। अगर नीचे का 300 mm मिल रहा है, मतलब 30 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो टॉप में भी आपको 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर मिलेगा उतना ही। अगर इसमें होता आफ्टर द कास्टिंग, अगर आइए आपका कॉलम 5 mm तक मार्जिन आ रहा है तो आप इसको अलाउ कर देंगे, ये हमारी जो 5 mm है इसको अलाउ कर सकते हैं। अगर ये 15 से 20 mm आ रहा है मार्जिन आफ्टर द कास्टिंग, तो ये अलाउबल नहीं है।
तो इसको ये कह सकते हैं, इसको फिर से आफ्टर द कास्टिंग जस्ट इजली, ऐसे नहीं है कि आप कास्टिंग के 2 दिन बाद से 3 दिन बाद करेंगे, नहीं, जैसे कास्टिंग कंप्लीट हुआ मतलब इसमें जैसे कंक्रीट फिल हुआ उसके बाद तुरंत इसका चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अगर रहता तो उस समय कंक्रीट अपनी पूरी फुल्ली सेट नहीं रहती है, उस समय आप इसको इसको कलेक्ट करवा सकते हैं। तो आप इसको कलेक्ट करके 0 0 आप देख सकते हैं कि मतलब अगर नीचे ऊपर का अगर 30 सेंटीमीटर आप बॉटम पे मिल रहा है तो टॉप पे भी 30 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। तो सो ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर। सो ये कॉलम का हमारा जो होता है मेन पॉइंट होता है, और फिर इसमें ये देखते हैं कि जो इसमें सपोर्ट दी जाती है वो सपोर्ट कैपेबल है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग कि ये बियर कर सके उसकी लोड को, जैसे कि आफ्टर द फिलिंग ऑफ द कॉन्क्रीट, तो ये जो होती है कि अपनी ये कॉन्क्रीट जो है पूरी फुल्ली बियर कर सकती है कि नहीं, अपनी कहीं ऐसा तो नहीं ना कि फेल होने के चांसेस, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है, इसमें आप देख सकते हैं टाई डॉट यूज हुआ, टाई डॉट और इसमें चकनट, ये क्या कहता है, ये एक दूसरे के चोड़ी के ऊपर होता है, ये आपस में एक सेट रहता है और ये कभी यहाँ से हटने का कोई वही नहीं है कि ये यहाँ से ये बहुत ही मजबूत होता है और इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। सो आज का था ये वीडियो, सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा कि जो भी प्रोसीजर कॉलम का था मैंने बता दिया आप लोगों को। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई आपको कमेंट करना है कोई भी आपकी क्वेरी हो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।